दोस्तों भारतीय फैंस के लिए वो रनआउट तो कभी भूलने वाला होगा ही नहीं, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। और वो रनआउट जो फील्डर ने नहीं बल्कि खुद स्टंप ने कर दिया था। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे रनआउट के बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा कर रख देंगे। नंबर वन, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान एक ऐसा रनआउट देखने को मिला जो जिंदगी में एक ही बार देखने वाला मोमेंट था। कुछ वही था कि थेसारा पनेरा की बॉल पर आंद्रिल रसल पीछे की तरफ स्टैप करते हैं और सिंगल के लिए भागते हैं। वहां खड़े मेहदी हसन बॉल को पकड़कर बैटर्स एंड पर थ्रो करते हैं और डायरेक्ट हिट भी लगती है, लेकिन बदकिस्मती से बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुका था। स्टंप से लगकर बॉल अपनी डायरेक्शन बदलती है और सीधा जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड वाले स्टंप से टकरा जाती है। इसे आप बदकिस्मती कहो या चमत्कार, वहां आंद्रिल रसल अभी तक क्रीज पर नहीं पहुंचे थे और इस तरह वो रनआउट हो जाते हैं। इसका क्रेडिट आप फील्डर को देना चाहोगे या स्टंप को, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आप सुनिए धोनी की नो लुक रनआउट के बारे में। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर लेफ्ट साइड की और शॉट मारते हैं। कुछ ऐसा ही इरादा भी रॉस टेलर का भी था। बाउंड्री पर मौजूद फील्डर बॉल को वापस फेंकता है। रॉस टेलर अभी क्रीज से कुछ इंच दूर ही थे और धोनी के पास रनआउट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। अगर धोनी बॉल पकड़कर मुड़ते और फिर स्टंप पर बॉल मारते तो शायद रॉस टेलर डाइव मारते थे, इसलिए धोनी ने बिना देखे ही बॉल को स्टंप की ओर फेंक देते हैं जो कि सीधा स्टंप पर लगता है। रॉस टेलर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है, पर धोनी के दिमाग के सामने उनकी एक न चली। आपको क्या लगता है, क्या धोनी के अलावा कोई विकेटकीपर ऐसा कर सकता है? यदि हाँ तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। नंबर तीन, साल 1992 का वर्ल्ड कप मैच चल रहा था और साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान की चुनौती थी। गाबा का मैदान और पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का टारगेट था। रायन मैकमिलन की एक बॉल इंजमाम मिस कर देते हैं और बॉल पॉइंट की ओर चली जाती है। इंजमाम सिंगल लेना चाह रहे थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े इमरान मना कर रहे थे। बॉल पॉइंट पर खड़े जोंटी रोड्स के हाथ में गई थी और सामने एक से डेढ़ स्टंप का व्यू रहा होगा। जोंटी चाहते तो डायरेक्ट भी थ्रो मारने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भाग कर रनआउट करने का फैसला लिया। आधा रास्ता पार करने के बाद जोंटी को एहसास हुआ कि वो शायद लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने सुपरमैन की तरह जंप लगाते हुए स्टंप को बिखेर दिया और वो रनआउट किया, जिससे क्रिकेट इतिहास का बेस्ट रनआउट कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि जोंटी रोड जैसा ऐसा कारनामा आज के समय में कोई कर सकता है? उस खिलाड़ी का नाम जरूर लिखिए। नंबर चार, ये बात तो आपने सुनी होगी कि चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। इस लिस्ट में आप रविंद्र जडेजा की फील्डिंग को भी ऐड कर सकते हैं। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का। कुलदीप यादव की बॉल पर उस्मान ख्वाजा ऑफ साइड की ओर शॉट मारते हैं, लेकिन उनसे गलती हो गई कि बॉल जडेजा के पास चली गई और उन्होंने रन लेने की कोशिश की। जडेजा ने जल्दी से बॉल को पकड़ा और स्टंप की ओर फेंक दिया। बीच में खड़े कुलदीप यादव साइड हुए और निशाना सीधा स्टंप पर लगा और इस तरह जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को पेवलियन की राह दिखा दी। शायद वो भूल गए थे कि फील्डर कौन है। नंबर पांच, श्रीलंका और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच चल रहा था, जिसमें श्रीलंकन बैट्समैन बॉल को ऑफ साइड की ओर हिट करता है और क्विक सिंगल के लिए भागता है। बॉल वहां पर खड़े फील्डर से दूर थी, लेकिन जिम्बाब्वे का फील्डर डाई लगाकर बॉल को रोकता है और उसी पोजीशन में बॉल को अपने पास खड़े फील्डर की ओर फेंक देता है। दूसरा फील्डर बॉल को कैच करता है और उसी समय विकेट कीपर के दस्ताने की ओर फेंक देता है। एक झटके में विकेट कीपर स्टंप बिखेर देता और श्रीलंकन बल्लेबाज देखता ही रह जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों, क्या गजब का टीम एफर्ट था। नंबर छह, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा था। इंग्लैंड बैट्समैन स्क्वायर की तरफ शॉट लगाता है और भागना शुरू कर देता है। बॉल वहां खड़े कैमरून व्हाइट से बहुत दूर थी, लेकिन वो बेहतरीन डाइव लगाकर उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ इंग्लिश बैट्समैन बीच में फंस चुके थे, ये रन भागे या नहीं। इतने में कैमरून व्हाइट उसी पोजीशन में स्टंप की ओर थ्रो कर देते हैं और किस्मत से बॉल स्टंप पर लग भी जाती है। ये रनआउट तो सच में कमाल का था। नंबर सात, ये मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा था। इस मैच में इंडिया विकेट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। बुमराह की एक बॉल टेलर की बॉडी से टकराती है, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हेनरी निकोलस से क्विक सिंगल लेना चाहते थे। बॉल विराट कोहली की तरफ जाती है और वो एक झटके में शेर की तरह उस पर झपट्टा मार देते हैं और बॉल को उठाकर स्टंप पर दे मारते हैं। वाकई में दोस्तों, विराट कोहली के इस रनआउट ने तो पूरे खेल का रुख ही पलट कर रख दिया था और बेहतरीन फॉर्म में दिखाई देने वाले निकोलस को। नंबर आठ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच चल रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ओर से क्रीज पर थे बेन मैकडरमॉट। ऑस्ट्रेलिया को तेज रन की जरूरत थी, ऐसे में बेन मैकडरमॉट एक रिस्की सिंगल लेने के लिए भागते हैं। लेग साइड पर खड़े फखर जमान बॉल को डाइव लगाते हुए पकड़ते और बिना कोई निशाना लगाए अंदाज से बॉल को स्टंप की ओर फेंक देते हैं, लेकिन किस्मत से बॉल सीधे स्टंप पर लगती है और बेन मैकडरमॉट रनआउट हो जाते हैं। वैसे आपको पता ही होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की उस सीरीज में बेन मैकडरमॉट तीन बार बैटिंग करने आए थे और तीनों बार वो रनआउट होकर ही वापस लौटे थे, यानी कुछ ज्यादा ही बेसब्री थी उस बंदे में। यह मौका इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे एक मैच का है, जब आदिल रशीद की बॉल पर सरफराज अहमद ने लेफ्ट साइड की तरफ स्टेप किया। उसमें सरफराज तो समझ गए थे कि यहाँ सिंगल नहीं हो पाएगा, लेकिन किंग बॉबी तो कुछ ज्यादा ही आगे चले गए थे। विकेटकीपर जॉस बटलर बॉल को आदिल रशीद की ओर फेंकते हैं, लेकिन वो कुछ दूर रह जाती है। राशिद इसी पोजिशन में पहुंच गए थे जहाँ स्टंप उनके पीछे की ओर था और वो जानते थे कि अगर उन्होंने पीछे मुड़ने में समय बर्बाद किया तो बाबर क्रीज पर पहुंच जाएंगे।
फिर क्या था, उन्होंने बिना मुड़े ही उसी पोजीशन में स्टंप पर निशाना लगा दिया और बाबर आजम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे धोनी ने किया था। नंबर 10। दोस्तों बल्ले से तो आपने विराट कोहली का जादू देखा होगा, लेकिन आज हम आपको विराट कोहली की अद्भुत फील्डिंग के बारे में बताने वाले हैं। मौका था भारत और न्यूजीलैंड के T20 मैच का। शिवम दुबे की बॉल को कॉलिन मनुरल स्वीपर खेलते हैं। बॉल बाउंड्री पर खड़े शार्दुल ठाकुर के पास जाती है। इधर मनुरल जल्दी से दो रन भागने का प्लान बना चुके थे। शार्दुल वहीं से डायरेक्ट थ्रो मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में विराट कोहली खड़े थे। कोहली ने शार्दुल के थ्रो को कैच किया और फुल स्पीड से मनुरल के एंड पर बॉल को फेंका। बॉल जाकर स्टंप पर लगी और कॉलिन मनुरल रन आउट होकर वापस लौट गए। ऐसे रन आउट तो हम बार बार देखना चाहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।